चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में उसकी बगल में जो बेल का आइकन है, प्लीज़ आप इसे ज़रूर प्रेस करें, साथ ही साथ ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ये सर्दी का मौसम आने वाला है, इस समय खांसी जुकाम बुखार बहुत ज़्यादा प्रकोप हो रहा है इन लोगों का। तो इस समय जो है जुकाम भी बहुत हो रहा है और खांसी भी बहुत हो रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि खांसी जब हो जाती है तो लोग उसको साधारण समझते हैं, लेकिन खांसी बड़ी ही भयंकर हो जाती है। खांसी बहुत से लोग कहते हैं खांसी जो है गले की फांसी होती है। आगे चल करके आप जानते हैं खांसी से दमा भी हो जाता है, फेफड़े भी खराब हो जाते हैं, आगे चल के टीबी भी बन जाती है। तो अगर खांसी शुरुआत होती है तो खांसी से तुरंत उसका जो है अपना इलाज करवा लें, मैं समझता हूँ तो बेहतर होता है। अगर आप एलोपैथी में जाते डॉक्टर के पास तो बहुत ही महंगा इलाज है, सस्ते में कैसे हो। मैं समझता हूँ कि आप अपने घर में किचन में ही खांसी का बहुत ही अच्छे ढंग से आप अपना इलाज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सादा सस्ता और सुगम जो हर घर घर में मौजूद है, हर घर में किचन में मौजूद है, वो चीज़ें ही आपको यूज़ करनी है। आप जो है तुरंत निश्चित ही आपको खांसी से निजात मिल जाएगी, आपकी जहाँ तक है खांसी जड़ से भी ख़त्म हो जाएगी। देखिए ना, आप करके देखिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आप जो है सबसे पहले 100 काली मिर्च लें। ये देखिए मेरे पास काली मिर्चें हैं और इसको हम ये 100 काली मिर्च इसमें से हम ले लेते हैं। 100 काली मिर्च हम लेते हैं और सौंठ का पाउडर, ये सौंठ का पाउडर है, आप इसको देखिएगा। इसको जो है हम 100 ग्राम लेते हैं सौंठ का पाउडर। इन दोनों को, सौंठ का पाउडर तो पिसा हुआ है, अगर आपको पाउडर ना मिले तो आप सौंठ को पीस लें घर में और काली मिर्च को पीस करके दोनों को मिक्स कर लें। सौंठ को और काली मिर्च को दोनों को मिक्स कर लें और इसको जो है लगभग आधा चम्मच से लेकर के एक चम्मच तक आप शहद में मिला करके सुबह भी शाम को भी चाटें, तो निश्चित रूप से आपको जो है खांसी में आराम मिलेगा। और ये आपको लगभग 15 से 20 दिन तक लगातार सुबह शाम नियमित लेना है। सुबह शाम चाटेंगे खाएंगे तो आपकी खांसी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी और आपको जो है बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अगर आपको जुकाम भी हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। तो आप करके तो देखिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, तो ताकि सभी दोस्तों में आसानी से ये वीडियो पहुंच सके और वो इसका समुचित रूप से लाभ ले सकें। तो मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मैं अगले दिन अब मिलूँगा आपसे पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।